इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि हिंदुओं के विनाश का कारण कोई और नहीं अपितु अपने ही गद्दार हैं जिन्होंने अपने ही लोगों से गद्दारी की और मुगलों अंग्रेजों आदि को विजय दिलवाई इसके अलावा हमारी असंगठितता और हमारी कुंभकर्णी नींद ने हमें विनाश के मार्ग पर ढकेल दिया देखिए वीडियो और इतिहास से कहते हैं जो अपने इतिहास को नहीं जानता अपने इतिहास को भूल जाता है वो अपना भविष्य नहीं बना सकता आइए हम देखते हैं कि हम अपने इतिहास से क्या भूल रहे हैं इराक जो स्थिति आज देख रहा है उससे भी कहीं ज्यादा भयानक दृश्य भारत ने बरबर जिहादी मुसलमानों के कारण अनेक बार देखे हैं मीर कासिम ने सिंध में रात को धोखे से घुसकर एक ही रात में हजारों या कुछ लोग तो पचास हजार तक की गिनती बताते हैं यानी हजारों से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार कर सिंध पर कब्जा किया सोमनाथ मंदिर के अंदर उपस्थित सहस्त्रों हिंदुओं के रक्त से मोहम्मद गजनवी ने परिसर को नहला दिया सोमनाथ में लगी भगवान की मूर्तियों को मोहम्मद गजनवी ने अपने दरबार एवं शौचालय की सीढ़ियों में लगवाया ताकि वो रोज उनको पैर के नीचे रोन सके औरंगजेब के इस्लाम कबूल करवाने के आदेश के बाद सबसे अधिक विनाश हुआ लाखों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाया गया जो आज हिंदुओं से मिलते जुलते सरनेम लगाकर घूम रहे हैं औरंगजेब ने हिंदुओं द्वारा इस्लाम कबूल न करने पर उन्हें गर्म पानी में उबाल कर जीवित चमड़ी उतरवाने का आदेश दिया हिंदुओं की सिखाए एवं जनेऊ जलाकर औरंगजेब ने अपने नहाने के पानी गर्म किए हैं जलालुद्दीन अकबर हर हिंदू राज्य जीतने पर वहां की स्त्रियों को उठाकर मीना बाजार में एवं हरम में पहुंचा देता था अजमेरु को का सोमेश्वर नाथ शिव मंदिर तोड़कर अजमेर दरगाह खड़ी की गई साथ ही वैष्णव एवं जैन मंदिर तोड़कर ढाई दिन का झोपड़ा बनाया गया इसका प्रमाण है वहां लगी कलाकृतियां जिस पर हिंदू देवी देवताओं और स्वस्तिक के निशान बने हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना से धर्म एवं कुल प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए चित्तौड़ की रानी पद्मिनी एवं छब्बीस हजार छत्राणी वीरांगनाओं ने अग्नि में कूद कर जौहर किया बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह हुमायूं के विश्वास घात के परिणाम स्वरूप धर्म एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने अठारह हजार छत्राणियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर के आक्रमण पर चित्तौड़ में फिर महारानी जयमल मेड़तिया ने बारह हजार छत्राणी वीरांगनाओं के साथ अग्निकुंड में कूद जौहर किया उसके पश्चात साका में मुगलों से घनघोर युद्ध कर दस हजार से अधिक सैनिकों को काटते हुए मेवाड़ के कुछ हजार वीर सपूतों ने प्राणों का बलिदान दिया जिसे देख अरब अकबर इतना भयभीत हो उठा कि क्रूरता पूर्वक चित्तौड़ दुर्ग की तीस हजार निर्दोष प्रजा का नरसंहार किया एक समय था अरब पर्शिया से लेकर इंडोनेशिया तक की दुनिया में सनातन धर्म के अनुयायी थे जो या तो मार दिए गए या मुसलमान बना दिए गए करोड़ों हिंदुओं की लाशें बिछा दी गई अनगिनत स्त्रियों का सम्मान लूटा गया लाखों मंदिर टूटे अनगिनत अत्याचार हुए बप्पा रावल राणा सांगा महाराणा प्रताप भील राणा पुंजा गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी चार साहे जाते बंदा बहादुर स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज महाराज सुहेल देव महाराजा सूरजमल जाट जैसे अनेकों असंख्य वीर वीरांगनाओं के बलिदान एवं संघर्ष के कारण आज हम हिंदू बच पाए हैं अतः है, अपने इतिहास से सीखो समय रहते जागो हिंदुओं क्योंकि इतिहास स्वयं को दोहराएगा और अब की बार तुम्हें परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा जिहादी अनेकों अनेकों हथकंडे अपनाकर सहिंदुओं को नष्ट कर करने में लगे हुए हैं और हम भाईचारा सेक्युलरिज्म जैसे लॉलीपॉप चूसने में व्यस्त हैं ध्यान रहे जो व्यक्ति खुद को नहीं बचा सकता जो व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं कर सकता धर्म उसकी रक्षा कभी नहीं करता धर्मो रक्षति रक्षित है। हर हर महादेव जय जय श्री राम आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और हाँ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद बंदे मातरम